Hey guys, welcome to our new vlog। तो हो चुकी है एक नए vlog की शुरुआत। तो guys, आज हम बनाने वाले हैं एक मजेदार रेसिपी। तो आज की रेसिपी होगी हमारी ये रुपायन मैगजीन से। तो इसमें एक काफी इंटरेस्टिंग रेसिपी आई हुई है, बैंगन की चटनी। तो मैंने सोचा क्यों ना यार ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर की जाए। देखते हैं कि किस तरह से ये बैंगन की चटनी होती है। तो ये चटनी हम खा सकते हैं चावल के साथ या रोटी के साथ। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ले लेंगे तेल। तो तेल हम लेंगे 1 से 2 चम्मच और इसको हम होने देंगे अच्छे से गरम। तो तेल गरम होने के बाद हम इसमें डाल लेंगे जीरा 1 चम्मच करीब। तो जैसे ही जीरा तड़कने फड़कने लगे वैसे ही हम डाल देंगे इसमें कड़ी पत्ता, लगभग 5-6 पत्ते। तो जीरा और कड़ी पत्ते को हम लगभग गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। तो जैसे कलर चेंज हो जाए वैसे ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर, लगभग 1 टमाटर मैंने इसमें डाला है बारीक चॉप करके। और इसको हम अच्छे से मिला देंगे और पकाने रखेंगे इसको लगभग 1 से 2 मिनट, वो भी हल्की आंच पे। 1-2 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं डालूंगा 1/4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून और नमक स्वाद अनुसार। इन सब मसालों को हम अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद थोड़ा सा मिठास देने के लिए हम इसमें डालेंगे चीनी, लगभग 1/2 चम्मच। तो इन सब मसालों को अच्छे से मिलाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे हमारे मसाले जो हैं अच्छे से आपस में मिल जाएं। अब हम इसमें डालेंगे बैंगन। तो मैंने तो इसमें बड़ा बैंगन यूज़ किया है एक, आप चाहे तो छोटे बैंगन भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं इसमें काट के। अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे जिससे हमारा जो मसाला है अच्छे से बैंगन के ऊपर कोट हो जाए। और इन बैंगन को हम 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम में भुनने देंगे। तो फिर 2-3 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे विनेगर, 2 चम्मच करीब मैं डाल रहा हूँ उसमें विनेगर, इसको हल्का सा खट्टापन देने के लिए। तो खट्टा मीठा दोनों हमारा मिक्स हो गया तो काफ़ी बढ़िया ये एक टेस्ट देने वाला है। इसको हम अच्छे से मिला देंगे और इसको हम पकने देंगे ढका के लो फ्लेम में, और बीच बीच में हम इसको खोल के इस तरह से हम ऐसे मैश करेंगे जिससे हमारे अच्छे से चटनी ये तैयार हो जाए। तो इसको काफ़ी देर पकाने के बाद हमारी ये चटनी जो है तैयार हो चुकी है। ये देखिए काफ़ी बढ़िया लग रही है, देखने में काफ़ी बढ़िया है और खुशबू भी जो है काफ़ी बढ़िया आ रही है इसकी। तो चलिए ये तो तैयार है, अब हम करते हैं इसको सर्व।